आज हम पत्र लेखन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से हमें पत्र लेखन करना चाहिए, इसके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं पत्र लेखन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर, यह है प्रस्तावना। क्या है ये प्रस्तावना? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कौन सा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों, विचारों, सूचनाओं को दूसरे तक संप्रेषित करना चाहता है। ठीक है, जो भी उसकी भावनाएं हैं और जो वो सूचना देना चाहता है वह दूसरे तक संप्रेषित करना चाहता है। दूसरे शब्दों में मन की भावनाओं को वाणी देने का सबसे उत्तम साधन क्या है? पत्र ही है। भावनाओं को वाणी देने का सबसे उत्तम साधन क्या है? पत्र। पत्र के माध्यम से बिना किसी संकोच और भय के हम अपने मन की बात इच्छित व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। जो हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हम सूचना देना चाहते हैं, उसको हम पत्र के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक कला है जिसमें ना कोई आडंबर होता है और ना ही कोई दुराव छिपा। हम निःसंकोच भाव से अपने मनोभावों को दूसरे तक क्या कर देते हैं? प्रकट कर देते। अब इसके बाद यहाँ आता है आदर्श पत्र के गुण। तो क्या होता है? एक आदर्श पत्र में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। जैसे दिया है, पत्र बातचीत की शैली में लिखा जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो कि हम लेखक से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे। मतलब आपके पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि आपको ये लगे कि हम किससे बात कर रहे हैं? लेखक से बात कर रहे हैं। दूसरा, पत्र निष्कपट भाव से लिखना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं होना चाहिए। यानी जो आपके अंदर की जो भावना है, आपको उसी भावना से पत्र लिखना चाहिए। उसमें विशेष या विभिन्न प्रकार के कोई प्रकार दिखावा या आडंबर नहीं होना चाहिए। फिर है, पत्र में शिष्टाचार का प्रयोग होना चाहिए। जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और पत्र में क्या होना चाहिए? शिष्टाचार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी बड़े जो परिवार में बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो हमें उनको भी ध्यान में रखते हुए, छोटे बड़ों को आदर सम्मान का ध्यान रखते हुए पत्र की भाषा होना चाहिए। फिर है, पत्र की भाषा स्वाभाविक, शिष्ट एवं सरल होनी चाहिए। पत्र में अवशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, चाहे आपके अंदर जो भी है, लेकिन हमें किसी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे जब कोई व्यक्ति पत्र पढ़े तो उसको क्या लगे, उसको अच्छा ना लगे, वो शब्द अच्छे ना लगे। इसलिए हम ऐसी किसी भी अवशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना या भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। व्यर्थ की बातें पत्र के प्रभाव को नष्ट कर देती है। देखिए, जो जरूरत है और जितनी आवश्यकता है उतने शब्दों का और उस भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बात को पत्र, आप अपनी बात को उस पत्र के माध्यम से कह सकते हैं। बहुत व्यर्थ की बातें उसमें नहीं होना चाहिए। किसी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर है, पत्र में पता, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति सुस्पष्ट होना चाहिए। लिखावट सुंदर एवं स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, जो भी आप मतलब भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं या जहाँ पत्र आप भेज रहे हैं, तो वहाँ का जो पता है और जो भी पत्र में आप लिखे, वहाँ जो उसमें जो संबोधन आप लिखें, जो अभिवादन आप लिखें और उसकी जो समाप्ति आप करते हैं, वह सुस्पष्ट होना चाहिए। और पत्र की जो भाषा है वो तो अच्छी होनी चाहिए,
साथ में जो आप लिख रहे हैं यानी आपने जो लिखा, देखिए यहाँ पर है पत्र के प्रकार, ठीक है, तो विषय संदर्भ एवं व्यक्ति के अनुसार पत्र कई प्रकार के होते हैं, किंतु मुखता पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला अनौपचारिक पत्र, इन्हें पारिवारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इनकी विषय वस्तु निजी या घरेलू होती है। इन पत्रों की भाषा शैली में कोई औपचारिकता नहीं होती। ये आता नहीं, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा पत्र कितने प्रकार के होते, तो आप इसको बताइए, या आपको मालूम होना चाहिए कि पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं और दूसरा औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र वो कहलाते हैं जिनमें किसी प्रकार की औपचारिकताएं नहीं होती, ठीक है। आप इसके बाद आता है दूसरा औपचारिक पत्र। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? औपचारिक पत्र। इन्हें सरकारी या गैर सरकारी संदर्भ में लिखा जाता है, इसे औपचारिक पत्र कहते हैं। देखिए ये औपचारिक पत्र किस संदर्भ में लिखे जाते हैं? सरकारी या गैर सरकारी संदर्भ में लिखा जाता है, इसे औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें व्यवसायिक, कार्यालयी एवं सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। इस प्रकार के मैंने बताया आपको, इसमें व्यवसाय, कार्यालय एवं सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। इनकी जो भाषा शैली का जो स्वरूप है वह क्या होता है? निश्चित होता है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, जो उसमें लिखा जाएगा वो पहले से ही निश्चित होता है, आपको वही लिखना पड़ेगा। इनके भी दो प्रकार होते हैं, पहला सरकारी, दूसरा अर्ध सरकारी एवं व्यवसायिक पत्र। क्या बताया मैंने? पहला सरकारी, अर्ध सरकारी एवं व्यवसायिक पत्र। दूसरा है सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भ के पत्र। सामान्य जीवन व्यवहार अथवा अन्य विशिष्ट संदर्भ के पत्र। इस प्रकार जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये है पत्र के प्रकार। इसमें मैंने आपको अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के विषय में समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पत्र के अंग। अब क्या आएगा? पत्र के अंग, ठीक है। पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं इसके विषय में पढ़ते हैं। पत्र किसी भी विषय का क्यों ना हो, उसके चार अंग होते हैं। पत्र के कितने अंग होते हैं? चार। पहला है पता एवं दिनांक। आप देखते होंगे जब भी कोई पत्र लिखा जाता है, कहां भेजना है, देना है, उसका उस जगह का पता और दिनांक। दूसरा संबोधन एवं अभिवादन, और साथ में क्या होता है, किसको संबोधित ये करके लिखा जा रहा है या अभिवादन करके, ठीक है। फिर है पत्र की सामग्री या फ्लेवर, तो पत्र में कौन कौन सी सामग्री इसमें और वो ऐड करनी है, ये पत्र में होता है। फिर आता है पत्र की समाप्ति, लास्ट में हम पत्र की क्या करते हैं, उसमें समाप्ति, ठीक है। अब इसके बाद है, पहला है पता एवं दिनांक। अब देखिए ध्यान से, अनौपचारिक पत्र के बाई ओर ऊपर कोने में पत्र लेखक का पता एवं उसके नीचे तिथि दी जाती है। औपचारिक पत्र में बाईं ओर प्रेषक के विभाग का नाम, पता व दिनांक होता है, और बाईं ओर ही प्राप्तकर्ता का नाम, पद, विभाग आदि दिया जाता है, ठीक। अब इसके बाद है दूसरा संबोधन एवं अभिवादन। दोनों प्रकार के पत्रों में पत्र प्राप्त करने वाले के लिए किसी ना किसी संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं, उदाहरण जैसे दे रहे हैं इसमें, कि पूजनीय, प्रिय, मान्यवर, महोदय लिखते हैं ना, जो भी पत्र हम प्राप्त होते हैं या हम भेजते हैं तो उनमें इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नोट देखिए, औपचारिक पत्रों में
संबोधन से पहले विषय अवश्य, इस प्रकार औपचारिक पत्रों में संबोधन से पहले विषय अवश्य लिखा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है पत्र की सामग्री और फ्लेवर। फ्लेवर के संबंध में निम्न जानकारियां आवश्यक है। पहला है, क्या भाषा सरल एवं वाक्य छोटे होना चाहिए। दूसरा, फ्लेवर बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए। तीसरा, लेखक द्वारा लिखी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। फिर है, पत्र में पुनरावृत्ति ना हो। गागर में सागर भरने पर जोर देना चाहिए। गागर में सागर भरने पर जोर देना चाहिए, ना कि सागर में गागर। ठीक है। आप सरकारी पत्र में यदि कहीं काट छांट हो तो लेखक को कहां अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। ये ध्यान से इसको समझना है कि भाषा, पहली बात तो पत्र की सरल और वाक्य कैसे होना चाहिए, छोटे होना चाहिए। फ्लेवर बहुत, जो पत्र का जो कलेवर है वह विस्तृत, यानी बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं लिखना चाहिए। लेखक जो भी लिख रहा है पत्र में उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में पुनरावृत्ति ना हो, बार बार एक ही शब्द हम उसको बहुत बार लिख रहे हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी हम उसमें लिखें तो हमको गागर में सागर, यानी थोड़े में ज्यादा अपना पूरा जो जरूरत की चीजें हैं या जो उसमें जो आपकी अभिव्यक्ति है, जो आपकी भावनाएं हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उसमें हम लिख सके। ठीक है। सरकारी पत्र में यदि कहीं काट छाट हो, मान लीजिए आपका कहीं कुछ गलत हो गया है, तो आप वहां पर कहां हस्ताक्षर करना है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए आता है कार्यालयीन पत्र के प्रकार। सबसे पहला आता है सरकारी पत्र। यह औपचारिक पत्र है। एक कार्यालय या विभाग जब दूसरे कार्यालय या विभाग को पत्र लिखते हैं तो वे सरकारी पत्र कहलाते हैं। इसमें पत्र के ऊपर कार्यालय या मंत्रालय का नाम व पता तथा वायतरा फाइल संख्या लिखी जाती है। इससे पत्र का विषय, विभाग का नाम तथा समय ज्ञात होता है। प्रेषक का नाम, पता आदि बाईं ओर लिखा जाता है। विषय में पत्र का प्रयोजन होता है। विषय के बाद बाईं ओर महोदय संबोधन का प्रयोग होता है। पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता व दिनांक लिखते हैं। अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। भवदीय शब्द के नीचे प्रेषक के क्या होते हैं, हस्ताक्षर करेंगे। उसके नीचे प्रेषक का नाम एवं पदनाम लिखा जाएगा। पत्र सटीक हो इसके लिए आवश्यक है कि क्या करना चाहिए, पत्र में प्रशासनिक शब्दावली, संक्षिप्तता एवं गागर में सागर भरने का गुण होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है अर्ध सरकारी पत्र। दूसरा क्या आएगा, अर्ध सरकारी पत्र। इस प्रकार के पत्रों में अनौपचारिकता या मैत्री भाव का समावेश होता है। किस भाव का, मैत्री भाव का समावेश होता है। कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है, प्रिय, श्री जैसे संबोधनों का प्रयोग होता है। पत्र के नीचे भवदीय के स्थान पर आपका जैसे शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है। अंत में संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग तभी किया जाता है जब व्यक्तिगत परामर्श या खास विषय पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षण करना। फिर आता है तीसरा परिपत्र। किसी बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर इस प्रकार पत्र जारी किया जाता है। इन पत्रों की भाषा आडंबरहीन होती है। इस प्रकार के पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों या विभागों को लिखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद आता है, चलिए इस प्रकार पढ़ते हैं, अनुस्मारक। अब ये क्या होता है अनुस्मारक? अनुस्मारक, ठीक है, अनुस्मारक पत्र को स्मरण पत्र भी कहते हैं। इनका आकार छोटा तथा प्रारूप सरकारी पत्र की तरह होता है। जब किसी पत्र या ज्ञापन का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूर्ण पत्र का हवाला दिया जाता है। एक से अधिक अनुस्मारक भेजने पर उन्हें क्रमांक भी दिया जाता है, ठीक है। फिर है कार्यालयीन आदेश। इसका प्रयोग आंतरिक प्रशासन के संदर्भ में होता है। इसमें कर्मचारियों का स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, काम के वितरण आदि की सूचना होती है। इस प्रकार के पत्र में संबोधन अभाव नहीं होता, भाषा सरल एवं औपचारिक होती है। पत्र में पत्र संख्या, कार्यालय का नाम, पता, तिथि इत्यादि का वर्णन होता है। अंत में प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर, पद का नाम लिखा जाता है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित व्यक्तियों या अनुभागों को भेजी जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर आता है कार्यालयीन ज्ञापन। इस प्रकार के जो पत्र में किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता तथा अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर, उसका नाम लिखा जाता है। इन पत्रों के द्वारा एक दूसरे कार्यालय के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। फिर आता है टिप्पण। किसी भी विचाराधीन अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, ठीक है, अथवा आदेश दिया जाता है वह टिप्पण कहलाता है, जिसका उद्देश्य मामले को नियमानुसार निपटाना है। इसे लिखने से पूर्व सहायक या संबंधित विषय को समझना आवश्यक है, अन्यथा उस पर उच्च अधिकारी को निर्णय लेने में परेशानी होती है। ये हमेशा अन्य पुरुष में तथा पूर्ण व स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। ये संक्षिप्त विषय संगत और क्रमबद्ध होना चाहिए। इस प्रकार आज हमने यहाँ पर आपको समझाया कि पत्र क्या होते हैं, उनकी भाषा शैली कैसी होना चाहिए, किन किस प्रकार के पत्र होते हैं, उनके अंग क्या होते हैं, पत्र की सामग्री क्या होनी चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया और समझाया। आगे की क्लास में पत्र कौन से औपचारिक होते हैं, कौन से अनौपचारिक होते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।